तारीख को आपको पेमेंट करना है, अगर नहीं करती है। हाय एवरीवन, मैं श्रीराम, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला कोकरा टोल प्लाजा के मजदूरों के बारे में। तो मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, और कौन सा हक नहीं मिल पा रहा है वही देखेंगे। और मैं अभी कोकरा टोल प्लाजा में हूँ, तो अभी बात करेंगे मजदूरों से, उनका तकलीफ क्या है और उनका क्या हक छीना जा रहा है, उनको क्या हक नहीं मिल रहा है, इसी के बारे में बात करेंगे। और तो इस बारे में क्या बोलेंगे वही सबको मिल के सुनते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जमशेदपुर के लिए निकल रहे हैं, और इधर हम लोग का बस आ गया है और दोस्त लोग सब चढ़ रहे हैं, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं लेबर ऑफिस के लिए। और देखते हैं लेबर ऑफिस में पहुंच के क्या कुछ होने वाला है। अब हम लोग के पक्ष में सुनवाई होती है या कंपनी के पक्ष में हो तो वहीं जाके पता चलेगा। तो चलिए पहले बस में बैठते हैं, फिर जमशेदपुर पहुँच के लेबर वहाँ देखेंगे कि सुनवाई किन के पक्ष में हो रही है। तो चलिए पहले बस में बैठते हैं। साथी लोग सब अपना अपना सीट में बैठ चुके हैं, तो दोस्तों अभी हम लोग गालुडी टोल प्लाजा में, गालुडी यानी कि पुतलू टोल प्लाजा में रुके हुए हैं। और ये टोल प्लाजा कल ही परसों ही स्टार्ट हुआ है, और यहाँ का कमांड अभी वेस्टवेल कंपनी संभाल रही है। और अभी आप लोग देख सकते हैं इधर टोल प्लाजा में वर्कर लोग हैं, और टोल वसूली का काम कर रहे हैं। और इधर हम लोग का बस खड़ा हो गया है कुछ देर के लिए। और ये रहा आपका टोल प्लाजा पुतलू का। तो दोस्तों, अभी हम लोग का बस निकलने वाला है, तो यहाँ का दृश्य बस इतना ही दिखा सकते हैं आप लोगों को। अभी बस में बैठेंगे क्योंकि बस अभी छूटने वाली है, तो फिर हमको छोड़ के चली जाएगी। लोग सीताराम ड्रा पहुँच चुके हैं, और देखते हैं लेबर ऑफिस कब तक खुल रहा है या खुल गया है, अब वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। और उधर हम लोग पीछे तरफ अपना बस पार्किंग कर दिए हैं, और अभी जा रहे हैं लेबर ऑफिस के लिए। और चलिए आप लोगों को मैं लेबर ऑफिस दिखाता हूं। और इधर लेबर ऑफिस के सामने कुछ गाड़ियां पार्क की गई है। तो दोस्तों, अभी मैं बता दूं, ये लेबर ऑफिस का मेन गेट है, और इधर हम लोगों का दोस्त लोग पहुंच चुका है, खड़े हो गए हैं। और देखते हैं, अभी तक तो बंद है। और ये आ रहा आपका लेबर ऑफिस। इधर हम लोग का तो दोस्त इधर लूडो खेल रहा है, जीत गया। ये हम लोग का छोटून भाई है। तो दोस्तों, आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये
पीछे का दृश्य है और पीछे का दृश्य इस प्रकार से है। कार्यालय मौजूद है अपने पास में, यहाँ से लेटर आपके खिलाफ इशू किस तक आप जानते हैं, हम जब इंडी करते हैं दो तीन आदमी सबको जाने की जरूरत नहीं है, दो तीन पीएफ ऑफिस चले जाओ, अगर पीएफ वहाँ से डिटेक्ट हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, इसका मतलब 100% वो डिपॉजिट हो रहा होगा, हो ही नहीं सकता तो डिडक्ट हो जाएगा, मतलब हो रहा है ना, अकाउंट डिसेबल्ड है, अकाउंट डिसेबल्ड अकाउंट तो एनेबल कर रहे काम ब्रदर, आप पीएफ ऑफिस में ये लिख के तो दे सकते हैं ना कि नाउ आई एम ऑपरेटिंग दिस, पहले ईगल था तो ईगल के टाइम में पीएफ का अकाउंट चल रहा था, अभी ईगल ने इसको डिसेबल, ईगल के टाइम में डिसेबल है, ठीक है उसी टाइम में डिसेबल, तो अभी आप मुझे चूंकि इनका पीएफ डिपॉजिट करना है और इनको पीएफ का बेनिफिट्स दिलाना है, आई नीड टू एनेबल दिस अकाउंट, इतना तो आप लिख के दे सकते हैं, ऐसा करिए ओके, पीएफ कमिश्नर को जरूरत पड़ेगा बोल देंगे, आज है सर और हमारे साथ पूर्व विधायक कुणाल सरंगी आए थे और सुनवाई हम लोग के पक्ष में हुआ, जो बोनस के लिए हम लोग अप्लाई किए थे आज वो हम लोग का सफल हुआ, हम लोग को बोनस मिलेगा और डेट दिया गया 30 तारीख तक, और 30 तारीख तक हम लोग को बोनस मिल जाएगा, और ये गाड़ी आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी गाड़ी से आए थे हमारे पूर्व विधायक कुणाल सरन जी और अभी निकल रहे हैं, और इधर है हमारे मजे साथी दोस्तों, अभी हम लोग श्रम आयुक्त कार्यालय से निकल चुके हैं और पक्ष हम लोग के पक्ष में सुनवाई हुआ, और पहले ही मैं बता चुका हूँ कि किस तारीख हम लोग को बोनस मिल जाएगा, और सब लड़का लोग और मजदूर लोग जो है खुशी खुशी वापस जा रहे हैं बस में, बस में बैठेंगे, और इसके बाद हो सकता है अभी हम लोग पीएफ डिजेबल है तो उस मैटर को लेकर के पीएफ ऑफिस को जाएंगे, देखते हैं पीएफ ऑफिस जाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों अभी हम लोग वापस आ गए और इधर आप लोग देख सकते हैं दोस्त लोग सब खुशी में है, कहे कि हम लोग को बोनस का स्वीकृति हो गया और बोनस हम लोग को मिलेगा 30 तारीख तक, और आप लोग देख सकते हैं लड़का लोग पूरा खुशी में है, लाइक करो शेयर कर, लाइक करो। चलो इधर मेरा दोस्त भी लाइक और शेयर करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।